Hey guys, this is Vivek Tiwari. In this video, we will see how to find the derivative of the inverse function. See, अब तक हमने डेरीवेटिव निकाला था, राइट? उसमें क्या दिया था? कोई फंक्शन y दिया रहता था, y का हम लोग डेरीवेटिव निकालते थे. सो हमको क्या मिलता था? dy वाई बाई डी एक्स मिलता था. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड फाइंड डी एक्स बाई डी वाई इंस्टेड ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट? तो आप डी एक्स बाई डी वाई निकाल सकते हो क्या? डी एक्स बाई डी वाई निकालने के लिए आपको क्या दिया होना चाहिए? एक्स का फंक्शन दिया होना चाहिए. बट क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन दिया है? वाई का फंक्शन दिया है. सो विद द हेल्प ऑफ वाई वी कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, राइट? सो हम लोग को डी एक्स बाई डी वाई चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, फाइव का इनवर्स क्या होता है? वन अपॉन फाइव. तो सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैन बी रिटन एज वन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई. मीन्स डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज वन अपॉन डी एक्स बाई डी वाई. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी विल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन. सो लेट अस बिगिन विद द लेक्चर. बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स फंक्शन, फर्स्ट ऑफ लेट अस अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, फाइव है. फाइव का इनवर्स क्या होता है? वन बाई फाइव होता है, राइट? सो सिमिलरली अगर क्वेश्चन में डी एक्स अपॉन डी वाई पूछा है, तो अच्छा, ये बताओ डी एक्स अपॉन डी वाई को उल्टा क्या हो जाएगा? वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज ये टर्म वापस से न्यूमरेटर में जाता है ना. सो क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा. मीन्स मैं डी एक्स बाई डी वाई को क्या लिख सकता हूँ? वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ. सो जब कभी भी क्वेश्चन में हमको डी एक्स अपॉन डी वाई पूछा रहेगा, उस टाइम पे भी हम लोग क्या निकालेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालेंगे. मतलब वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, कुछ भी चेंजेस आने वाला नहीं है. y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाद में ये फॉर्मूले में ला के सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को? डी एक्स अपॉन डी वाई मिल जाएगा, राइट? यस. क्वेश्चन क्या है? फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड. डिमांड मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. प्राइस मतलब y. यहाँ पे क्या बोला है? x विथ रिस्पेक्ट टू y. x को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में. जो टर्म रिस्पेक्ट वाला रहता है वो हमेशा कहाँ पे आता है? नीचे आता है. कहाँ पे आता है? नीचे आता है. सो हमको क्या चाहिए? x विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए. यस, मतलब क्या चाहिए? dx एक्स बाय डी वाई चाहिए. इसके पहले हम लोग क्या करते थे? डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, तो क्या मिलता था? dy वाई बाई डी एक्स मिलता था. बट यहाँ पे क्या बोला है? एक्स विथ रिस्पेक्ट टू y बोला है ना. सो x के अपॉन में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा. मतलब क्या चाहिए? dx एक्स बाय डी वाई चाहिए. बट क्वेश्चन में तो y दिया है. सो क्या मिलेगा? y से dy वाई बाई डी एक्स मिलेगा. dx एक्स बाई डी वाई मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, जिसकी वजह से हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. सबसे पहले ये टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सी, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में क्या बोला था? y बोला था. x के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा? dy वाई बाई डी एक्स मिलेगा. 12 का डेरीवेटिव 0, 10 बाहर आएगा. x का डेरीवेटिव 1, 25 बाहर आएगा. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, राइट? सो 0 मतलब कुछ नहीं, 10 वन ज़ा 10, 25 टू ज़ा 50. सो क्या मिला हमको? dy वाई बाई डी एक्स मिला. बट हमको क्या चाहिए? x विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए, राइट? x विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए. एंड दिस कैन बी रिटन एज इन दिस टर्म डी एक्स बाई डी वाई कैन बी रिटन एज वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ पे मैंशन कर देने का, बाय डेरीवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, राइट? ये क्या हो गया? हमारा रूल हो गया. डी एक्स बाई डी वाई क्या होता है? वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है. सो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला. कितना निकाला? 10 प्लस 50 एक्स निकाला. सो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे वो वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो डी एक्स बाई डी वाई मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन 10 एक्स प्लस 50 मिल जाएगा. सो जब कभी भी x के रिस्पेक्ट में y पूछा है, मतलब डी एक्स बाई डी वाई पूछा है, तो टेंशन नहीं लेने का. y दिया है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो. अब तक जैसे करते आए थे, y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, राइट? फिर उसको क्या कर लेना? डिनोमिनेटर में लिखना, मतलब वन अपॉन में लिख लेना. वन अपॉन में लिखोगे मतलब क्या हो गया? इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया. मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स था वो चेंज हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई में. इज इट क्लियर? सेम थिंग ओवर हियर.
x with respect to y, मतलब dx by dy चाहिए. First of all, differentiate this function with respect to x. So y with respect to x will be dy by dx. 25 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1. log x, ये क्या दिख रहा है? log 1 plus x square दिख रहा है. log x है, but x के प्लेस पे क्या है? 1 plus x square है, right? So हम लोग ये टर्म को u पुट करेंगे. ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन है. सो इसका डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन से निकालेंगे ये केस में. ओके, सो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? यहाँ पे u पुट करोगे, राइट? सो अब यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो शॉर्टकट यूज़ करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल, अज्यूम दिस फंक्शन एज x, राइट? सो क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय x होता है. x के प्लेस पे क्या था? 1 प्लस x स्क्वायर था, उसको कॉपी कर लो. नाउ सी, वो x है क्या? नहीं. क्या है? 1 प्लस x स्क्वायर है. सो जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लो. 25 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो 0 प्लस 2x विल बी 2x. 2x इंटू 1, 2x, राइट? सो ये क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा. आप इसको कंपोजिट फंक्शन का जो कंसेप्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है उससे भी सॉल्व कर सकते हो. उससे ही सॉल्व करना है, बट वो ज़्यादा टाइम लेगा, राइट? इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट में इसको सॉल्व कर दिया. कैसे किया? सबसे पहले मैं इसको u अज्यूम किया, राइट? तो ये log u हो जाएगा. log u का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय u होता है. यस, u के प्लेस पे क्या है? 1 प्लस x स्क्वायर है, तो उसको हम लोग रिप्लेस करते थे, रिप्लेस कर दिया. देखो 1 बाय u, u के प्लेस पे क्या आ गया? 1 प्लस x स्क्वायर. फिर du बाय dx निकालते थे, राइट? du बाय dx कैसे निकालते थे? u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे. u वाला कौन सा टर्म? ये वाला टर्म है. तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो देखो ये टर्म को x के रिस्पेक्ट में किया, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया. सो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो मैंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अज्यूम दिस फंक्शन एज x. सो क्या हो गया? log x. log x क्या होता है? 1 बाय x होता है. अब x मत लिखना, x के प्लेस पे जो है उसको लिखना. लिख लिया 1 बाय x. अब चेक करो, x है क्या? नहीं. क्या है? 1 प्लस x स्क्वायर है, राइट? सो जो है उसका डेरिवेटिव लेने का. सो 1 प्लस x स्क्वायर का वापस से डेरिवेटिव लेंगे. 1 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल x अज्यूम करो, log x 1 बाय x हो जाएगा. अब x नहीं था, जो था उसका वापस से डेरिवेटिव लो, राइट? यस. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो 25 वन्स आर 25, 25 इंटू एक्स स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये क्या मिला? dy बाय dx. बट आपको क्या चाहिए? dx बाय dy चाहिए. वो क्या होता है? 1 अपॉन dy बाय dx होता है. मतलब इसका उल्टा, dy बाय dx का उल्टा कौन होगा? dx बाय dy होगा, राइट? सो इसका उल्टा कर दो जो आंसर आया था. 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x कहाँ पे चले जाएगा? नीचे. बिकॉज dx ऊपर चाहिए, dy नीचे चाहिए ना, तो ये टर्म ऊपर चले जाएगा, ये टर्म कहाँ पे आ जाएगा? नीचे. ये कहाँ से आया? बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन. ये लाइन हमेशा लिख दिया करो. ओके, सो वहाँ से पता चलेगा कि ये हमने क्या किया है, इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया है. इज इट क्लियर? आप ये टर्म को सेपरेटली कुछ अज्यूम करके कंपोजिट फंक्शन जैसा सॉल्व करते थे वैसा सॉल्व करके भी इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो. मैं यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ किया, आप वो मेथड से भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ वी विल सी दिस वन. क्वेश्चन क्या है? फाइंड मार्जिनल डिमांड. क्या चाहिए हमको? मार्जिनल डिमांड चाहिए. मार्जिनल का मतलब भी क्या होता है? डेरिवेटिव होता है. सो जब कभी भी ये मार्जिनल वर्ड आता है ना, मतलब क्या लेना है हमको? डेरिवेटिव लेना है. क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है. ओके, मार्जिनल डिमांड ऑफ द कमोडिटी वेयर डिमांड इज एक्स एंड प्राइस इज वाई. डिमांड इज एक्स, प्राइस वाई. डिमांड क्या है? एक्स है, और प्राइस क्या है? वाई है. अब मार्जिनल डिमांड क्या होता है? डिमांड अपॉन प्राइस होता है. मार्जिनल डिमांड क्या होता है? डिमांड अपॉन प्राइस होता है. सो डिमांड ऊपर है, प्राइस नीचे है. डिमांड मतलब एक्स, तो एक्स ऊपर आएगा, वाई कहाँ पे आएगा? नीचे.
सो एक्स ऊपर है वाई नीचे है, मतलब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई आ गया। तो हमको क्या चाहिए, डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, वाई दिया है, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा। तो कोई टेंशन नहीं, हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, बाद में जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे, राइट। यस, सो लेट अस फाइंड, डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या दिख रहा है, यू अपॉन वी दिख रहा है। यूज करो फॉर्मूला, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव्स ऑफ वी। सो ये फॉर्मूला ऑलरेडी तुमने 11th में पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ यू बाय वी क्या होता है, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। यस, एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन, टू का डेरिवेटिव जीरो, एक्स प्लस टू एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस जीरो वन, वन से मल्टीप्लाई करोगे सेम थिंग आने वाला, एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस जीरो विल बी टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करो, टू टू एक्स इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, टू टू ज़ा फोर, राइट। यस, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, राइट, बिकॉज क्या होगा, वहाँ से दो एक्स में से एक एक्स माइनस हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्या मिला हमको, डी वाई बाई डी एक्स मिला। सो बाई यूजिंग डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो क्या मिलता है, अगर डी एक्स बाई डी वाई चाहिए सो कैसे मिलेगा, वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आया उसका उल्टा कर दो। तो इसका उल्टा कर दो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। सो दिस इज आवर आंसर विच इज डी एक्स बाई डी वाई, डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, इज इट क्लियर। सो क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज डिफ्रेंशिएट करना है, y से dy by dx मिलेगा, बाद में जो उसका आंसर आएगा उसका उल्टा कर दो, तो वहां से क्या मिल जाएगा, dx by dy मिल जाएगा। चलो अभी आपको एक मैं एक्स्ट्रा कंसेप्ट सिखा देता हूँ जो अभी किया। फॉर एग्जाम्पल e रेस टू टू एक्स है, राइट, e रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है, कैसे लोगे, फॉरगेट दिस, क्या है अभी इसको x अज्यूम करो, क्या दिख रहा है, e रेस टू x दिख रहा है, e रेस टू x क्या होता है, e रेस टू x होता है, बट x है क्या, नहीं, x के प्लेस पे क्या है, 2x है, सो 2x का वापस डेरिवेटिव लेने का, 2x, 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, सो 2 वन ज़ा 2, सो ये क्या आ गया आंसर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे टर्म को x अज्यूम करो, राइट, x अज्यूम करो, x अज्यूम करने के बाद जो डेरिवेटिव होता है वो ले लो, बाद में चेक करो x के प्लेस पे कौन सा टर्म है, जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लो। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू साइन 10x प्लस टू आ गया, सो क्या दिख रहा है, साइन x दिख रहा है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, राइट, यस, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, x के प्लेस पे x ही कॉपी करने का, मतलब जो टर्म है वही टर्म कॉपी करो, साइन x का डेरिवेटिव cos x, बट x है क्या, नहीं, x के प्लेस पे क्या है, 10x प्लस टू है, सो 10x प्लस टू का वापस से डेरिवेटिव लेने वाले है, 10, x का डेरिवेटिव 1, राइट, 2 का डेरिवेटिव 0, सो 10 प्लस 0, 10, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, cos 10x प्लस 2 आ गया। सो ये कंसेप्ट मैंने क्या किया, सॉल्व किया, ओके, सो इसी से ऊपर वाले कंसेप्ट का डेरिवेटिव मैंने निकाला था, आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, ये भी चेन रूल ही है, और जो हमने कंपोजिट फंक्शन में देखा था वो भी चेन रूल ही था, बस फर्क क्या है, ये थोड़ा शॉर्ट में किया और वो थोड़ा हमने स्टेप बाय स्टेप किया था, बट दोनों चेन रूल है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आपको जो इजी लगता है वो यूज़ करने का, ये सिलेबस में फ़िलहाल अभी दिया नहीं था इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ओके। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आपको कुछ भी डाउट हो सो फील फ्री टू आस्क मी,
यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो।